वेलकम बैक टू, मैं हूं आपको अपना राजू भाई, और आज मैं दिखाऊंगा आपको दो दो हिमाचल प्रदेश से आई हुई बाइकें, जो एक है आपकी हिमालयन 450 न्यू मॉडल, जो कि हमारा यूट्यूब वीडियो देख के रहे हैं, और दूसरी दिखाऊंगा आप डोमिनर, वो भी सेम आपको मिलती है आपको हिमाचल की, जिसके लिए मैं आज मंडे एट प्रेजेंट हूँ उन भैया की बदौलत। तो पहले यहाँ पर देख लो लाइनअप कैसी है, इधर खड़ी R15, इधर मिलती है आपको FZ, इधर आपको इंटरसेप्टर जो कि हमारी है, इधर मिलती है आपको ये बीस्ट जो कि जिक्सर, इधर आपको मिलती है हंटर, और इधर आपको देख मिलेगी राइडर, जो कि देख सकते हैं ये भी गाजियाबाद से आई हुई है। और इसके बाद दिखाएंगे आपको मेन बाइक्स, जो कि मेन बाइक है अपनी ये, जिसका आपको फुल वीडियो कवर होगा। ये देखिए नंबर HP हिमाचल प्रदेश से आए हैं भैया, पहले भैया से करते हैं कुछ वार्तालाप, फिर उसके बाद लेंगे पूरी गाड़ी का रिव्यू। तो सर आप बताइए कि आप कहाँ से आए और कैसे आए, बताइए। हम लोग हिमाचल से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी, और हमारा जो होम टाउन है वो रिवालसर है। हम अपनी हिमालय का यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम करवाने आए हैं, सपोज जैसे क्रैश गार्ड तो नहीं, अपना सेटर स्टे लगाएंगे, फॉग लाइट लगाएंगे, जैसे GPS माउंटेड भैया ने यहाँ पे लगा रखा है। अब देखते हैं राजू भैया कैसे काम करते हैं, अभी हमारी बाइक का काम चालू हुआ है। ये सर शर्मा रहे हैं, बताइए जरा आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे फील कैसा, पहले एटमॉस्फेयर बताइए। पहले एटमॉस्फेयर ठीक है अभी तक, तो अभी जो भी है आगे जाकर आप, अब जैसे नहीं जैसे काम होगा तो काम को देखने के बाद देख लेंगे। वैसे तो तारीफ़ें तो आपकी सुनी बहुत है हमने सर, इन्होंने सिर्फ तारीफ सुनी है और ये खुद ना तारीफ करें ऐसा हो नहीं सकता, जो कि मैं वीडियो में रिव्यू जरूर लूँगा, क्योंकि रिव्यू जब भी लिया जाता है जब बंदा सेटिस्फाइड होता है, अनसेटिस्फाइड का वीडियो का रिव्यू कोई लेता भी नहीं है, लेकिन मैं उनका भी रिव्यू जरूर लेता हूँ कि भैया कुछ परेशानी तो बताइए, अगर किसी को परेशानी होती है। मैंने मान लो अब जैसे देख सकते हैं इस एड्रेस से लगाया है, अगर भैया इससे अनसेटिस्फाइड होंगे ना तो मेरा पता क्या मोटिव है, इसको हटा दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे दिल जीतना है लोगों का, जैसे कि काम करके अगर पसंद है तो ओके, नहीं पसंद तो हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। ये आपकी ये हो गई, दूसरी मिलेगी आपको डोमिनर, ये भी इन्हीं भाइयों की है हिमाचल प्रदेश, ये भी लेकर आए और देख सकते हैं ये भी गाड़ी रेडी हो रही है, क्रैश गार्ड लग चुका है और हैंडलाइजर लग चुका है इसके अंदर, और इसके अंदर काम अंडर प्रोसेसिंग है। और ये है इन भाई की, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं तो उनके साथ ही पूछे, हाँ जी बताइए सर कैसा प्रतीत हो रहा है आपको अभी तक? अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं जब लगेगा तब फिर। अभी चक्कर पता क्या होता है, जो बाइक लवर होते हैं ना इनको थोड़ा डर होता है, डर किस लिए होता है, किस लिए कि यार मैं सही शॉप पर आ तो गया ऐसा मुझे फील हो रहा है, बट सही काम होगा तो ही सही शॉपकीपर कहलाया जाए, तभी उसकी तारीफ होती है, तभी बंदे को अच्छा लगता है यार एटमॉस्फेयर तो बात की बात है, पहले काम अच्छा हो जाए बाकी तो देखा जाएगा। तो भैया का प्रोसेसिंग पर है काम होने के बाद, भैया से पूछें क्या क्या बाकी दिखाएं, तो उसके क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने वाला है। देख सकते हैं ये भैया ना वहीं से लगा रखा था अपने, ये क्रैश गार्ड लग चुका है, हैंडल रेजर इसका लग चुका है, और अभी इसके अंदर जेरी कैंस वगैरह लगनी है, सैडल स्टे लगना है, ये काम बाकी और भी थोड़े बहुत काम है, मोबाइल ऑर्डर वगैरह, और जो थोड़ा बहुत जो भी काम है। आप वीडियो बने रहना, वीडियो बने रहेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, राजू भाई SKD को आपको फुल वीडियो इसी पर मिलने वाली है। देख सकते हैं इसके अंदर आपका जो टैंक है वो ओपन हो चुका है, और जो मेन होती है वायरिंग, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी इसकी वायरिंग वगैरह होती है ना तो कपलर टू कपलर करानी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर होने वाली है, जब कर दूंगा तो भी मैं दिखाऊंगा, बट ये नहीं कहूँ कहाँ सेट होती है, वो दिखाऊँ तो सबको पता लग जाएगा, बट इतना जरूर दिखाऊँ कि हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो कैसे हो रही है इसके अंदर, वो जरूर चेक कराऊंगा। तो आप देख सकते हो पूरी ओपन हो चुकी है, टैंक वगैरह खोल चुके हैं, नॉर्मली हम बाहर से जुगाड़ नहीं करते हैं, खोलकर प्रॉपर होता है। इधर आपका सैडल शिफ्ट फिट हो चुका है इसके अंदर, अंडर प्रोसेसिंग आपके फॉग लैंप का काम, क्लैंप इसके फिट हो चुके हैं देख रहे हैं आप, और जब जैसे जैसे फिट होती रहेगी ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या रह गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, हमारे पास आई हैं दो गाड़ियाँ, दोनों आई हैं हिमाचल से, नंबर आपको चेकआउट करा दिया था, पहले दिखाऊंगा इसके अंदर मैंने किया क्या क्या है, जो जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो जिस चीज़ के लिए वो काम इसके अंदर हुआ। सबसे पहले फॉग लैंप, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल ये होता है कि इसकी वायरिंग वगैरह कैसे होती है कैसे नहीं होती है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे मैं इसमें थोड़ा शूट बीच में लेना भूल गया, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी चला हो गया था, खाना वाना कर लंच करने चला गया था, उस चक्कर में पूरा गाड़ी फिट हो चुका था। फिट होने के बाद अब मैं दिखाई दूँ ऑलमोस्ट कैसे क्या हुआ है। देखिए ये हैं इसके फॉग लैंप जो कि लगा देंगे HJG ओरिजिनल, ये हैं आपके HJG ओरिजिनल फॉग लैंप जो कि आपको देखने मिलेंगे वाई वाले, जो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जैसे मर्जी इसको, और मैं दिखाता हूँ इसका फोकस, ये देखिए गलत बात है, देखिए ये हो गया इसका येलो, ये हो गया इसका वाइट, और थ्रो इसका काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और सबसे आप बिकने वाली मतलब दिल्ली के अंदर सबसे आप बिकने वाली, दिल्ली इसलिए कह रहा हूँ, वैसे ऑल इंडिया में होता है लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा
जो बिकती है वो हमारी बिकती है वाई वाली, जो कि आप देख सकते हैं ये होती है आपकी। वैसे एक्चुअल इसका 40 वाट है, बट लोग इसको 60 वाट ही बोल के बेचते हैं, बट मैं 40 वाट ही बोलता हूँ क्योंकि एक्चुअल में 40 वाट होती है। इसलिए 40 आपका येलो हो गया, 40 आपका हो गया इसके अंदर वाइट, तो दोनों आपके वाट जो हैं वो 40-40 वाट्स के होते हैं, जिसे अगर कंपेयर करें दोनों मिला के 80 वाट जरूर हो जाता है, 40 इधर का 40 इधर का, तो ऐसे करें 80 वाट हो जाता है। तो ये आपको मिलती है इसके अंदर लगी हुई रोशनी, आपको चेकआउट करा दी है। वायरिंग में हमेशा बताता हूँ आपको कि प्लग इन प्ले कपड़ा टू कपड़ा करते हैं हम, जो कि वायरिंग एक बार दोबारा इधर इधर से दिखाया तो आपको ये देखिए, ये भी अगर इसके अंदर जा रही है ना तो आपकी जा रही है बिल्कुल इजीली। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी चेपने वाला काम हम नहीं करते हैं, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये GPS माउंट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया आपका GPS माउंट। इसमें आपका लग गया मोबाइल होल्डर, मोबाइल होल्डर सिमटेक ओरिजिनल लगाया है इसके अंदर, जो कि मिलता है आपको एक साल की गारंटी के साथ। और इसके अंदर मोबाइल कैरी कर, मोबाइल होल्ड करने के बाद कहीं पे भी आप इजी राइड कर सकते हो अपना GPS ऑन करने के बाद। और एक बटन देख देंगे इसके प्रॉब्लम जलाने के लिए, ये इसका प्रॉब्लम बटन जो कि मिलता है आपको CNC का, पूरा CNC बटन है, कोई इसके अंदर प्लास्टिक वाला हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इसके अंदर जो लगी हुई है समगढ़ देख सकते हैं, ये इसका समगढ़ लगा हुआ है, और नीचे अभी सॉरी समगढ़ी रेडिएटर गार्ड, रेडिएटर गार्ड इसके अंदर लगा हुआ है, समगढ़ सर ने लगवाया है, नहीं वगैरह नेक्स्ट टाइम लगवाएंगे, थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है इसलिए। और बैक साइड में दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं ये लगा देंगे सैडल स्टे, जो कि मिलते हैं आपको बहुत ही हैवी क्वालिटी के। और इसमें ना साथ में आपको फुटरेस्ट भी दिए जाते हैं, सर ने फुटरेस्ट इंस्टॉल नहीं कराए हैं, देखिए ये जो स्पेस दिख रहा है आपको ये फुटरेस्ट का है, जो कि सर को मैंने दे दिए हैं, सर अपने जब उनको यूज़ होगा तब लगे, फिलहाल उन्होंने लगाया जेरिकन, ये जेरिकन भी इसके अंदर लगा दिए गए, देख सकते हैं आप बहुत ही हैवी क्वालिटी। और ये मिलती है आपको लॉक वाली, ये मिलती है आपको लॉक वाली, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली बिना लॉक वाले के अंदर दिक्कत ही होती है, कहीं भी आप खड़ी करते हो ना तो आपको निकाल के लेके जानी पड़ेगी, बट अब निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकाल के रखनी है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप इसमें लगी रहने देना चाहते हो तो लगी रहेंगी, ये कहीं जाएगी नहीं निकलेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हो गया लॉक आपका। सेम इस तरफ सेम मिलेगा आपको, इस तरफ देख सकते हैं ये देखिए सेम आपको उधर मिल गया, दोनों जो सैडल स्टे विद आपका मिल गई जेरिकन। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब दिखाता हूँ इनकी ही दूसरी बाइक की, चूँकि ये भी आई है यहीं पर ही हिमाचल प्रदेश से डोमिनोर, तो इसको भी दिखाता है मॉडिफिकेशन। नंबर फ्रेम तो आपने देख ही लिया, ये इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। इधर आपको मिली हेडलाइट ग्रिल, जो कि आपको मिले डोमिनोर ओरिजिनल, डोमिनोर की ब्रांडिंग के साथ आपको मिलती है हेडलाइट ग्रिल, इससे आपका हेडलाइट वगैरह पूरा होता है सेफ। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हैं क्रैश गार्ड, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फुल बॉडी क्रैश गार्ड है। इसे लगाने के बाद ना आपकी गाड़ी के टैंक, आपका TPFC और आपके खुद के लैक्स, ये होते हैं पूरी तरह से प्रोडक्ट, फुली प्रोटेक्शन वाली चीज़ है। और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का क्रैश गार्ड जो इसमें इंस्टॉल कर दिया है। ये स्लाइडर जो होते हैं ये गिरने के बाद फुल सपोर्ट करते हैं आपकी बाइक की बॉडी को और आपके खुद के लैग्स को। साथ में इसमें लगा देंगे, देख सकते हैं ये फॉग लैंप बाय वाले, नीचे आपको मिलते हैं मिनी ड्राइव डेविल वाली, ये डेविल वाली 5 फीचर है इसके अंदर, वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। देखिए ये हो गया नीचे इसका डेविल, और उसके बाद दिखाऊंगा इसके अंदर वाइट, फिर मिलता है आपको येलो, फिर मिलता है आपको येलो वाइट, फिर मिलता है आपको ब्लिंकर। ये ब्लिंकर है जो कि आपका 5 फीचर के साथ इसके अंदर लगा दी गई है, ये है मिनी ड्राइव 5 फीचर वाली, ठीक है जी। अब इसको करते हैं ऑफ, अब दिखाता हूँ आपको वाई वाली, देखिए ये हो गया इसके अंदर येलो, ये हो गया इसका वाइट, और ये येलो और वाइट ओनली फॉर येलो वाइट। और इसको फिटमेंट का आपको दिखाया था, देख सकते हैं इसके अंदर लगा दें क्लैंप, ये क्लैंप में काफ़ी हैवी क्वालिटी के CNC वाले क्लैंप पे लगा देंगे, ये भी साथ में इधर भी, और सेम आपको मिलता है उस तरफ भी, देख सकते हैं ये देखिए इस तरफ भी आपको देखने मिलेंगे, इधर भी। तो ये होते हैं फुल्ली आपके सेफ्टी वाली चीज़ें जो कि लगा दी गई है, तो इसे लगाने के बाद आपकी फॉग लैंप कहीं भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि क्लैंप लगे हुए हैं, और ये बिना क्लैंप के अगर लगाते हैं सुराख कर देते हैं तो उसमें जंग वगैरह लगता है, ख़राब हो जाता है जल्दी से, लैग गार्ड क्रैश गार्ड जो भी होता है। साथ में मिलता है इसके अंदर हैजार्ड, जो कि देख सकते हो आप, जितनी बार बटन ऑन ऑफ करूँगा राइट लेफ्ट पुश उतनी बारी पैटर्न्स हो जाएंगे चेंज इसके इंडिकेटर के। ये होता है आपका सिमटेक ओरिजिनल हैजार्ड, जिसकी मिलती है आपकी पूरी 1 साल की गारंटी काउंटर पेसमेंट। साथ में आपको देखने मिलेगा इसका मोबाइल होल्डर, जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल, ये देख सकते हैं। और ये होता है 3.0 फास्ट चार्जिंग, ये होता है फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है चार्जिंग वाला। आप चाहो तो जैसे उसके अंदर नॉन चार्जिंग लगाया था, इसमें लगाया हमने चार्जिंग वाला, तो समझ सकते हो कि चार्जिंग की भी इसकी गारंटी होती है। इसकी मिलती है पूरे 18 महीने की गारंटी, 18 महीने का भी गिरा तो ये होता है चेंज, सीधा चेंज। और बटन जैसे मैंने उसमें दिखाया था, इसमें भी बटन देख लीजिए, एक गिरा बटन, ये भी आपको मिलते हैं CNC वाले बटन, जो कि इंस्टॉल कर दिया गया इसके अंदर। साथ में मिलता है आपको बजाज डोमिनोर 400 की ब्रांडिंग के साथ मास्टर एंडर कैप, जो कि इसके अंदर लगा दी गई है। और
क्वेश्चन एक चीज और चेक कराया था, उसमें हॉर्न भी लगे हुए हैं जो कि मिलते हैं आपको मिंडा के ओरिजिनल D95। तो इन दोनों बाइक की मोड में आपने देख लिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा इन दोनों बाइक के ऑनर को, जिन्होंने काम करवाया, उनको काम कैसा लगा और यहाँ का एटमोस्फेयर कैसा लगा। जब स्टार्टिंग में थोड़े से डर रहे थे तो उनका डर भी दूर शायद हुआ या नहीं हुआ, तो बुलाता हूँ भैया को। तो आइए सर। तो हेलो सर। हेलो राजू भाई। और आप भी आइए सर। हेलो सर, कैसे हैं आप और नाम क्या है आप दोनों का, और कहाँ से है और कैसा लगा आपको ये बताइए। मेरा नाम विजय ठाकुर है और मैं हिमाचल से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी, और मैं हिमालयन लेके आया हूँ। और मेरा फ्रेंड मिस्टर जसवंत, ये अपनी डोमिनार लेके आए थे। एक्चुअली हमें पता था कि आज मार्केट क्लोज है, लेकिन कल जब रात को हम यहाँ पहुँचे तो हमने राजू भाई को ऑनलाइन सर्च किया यूट्यूब पे, तो हमने राजू भाई से बात किया कि हमने अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन कराना है। तो राजू भाई ने कहा ऐसे तो मार्केट आज मंडे को क्लोज होती है, तो फिर मैं आपके लिए स्पेशल कर लाऊँगा। तो हम इसके लिए राजू भाई के लिए स्पेशल थैंक्स बोलते हैं पहले कि राजू भाई स्पेशल हमारे लिए आए। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो एक्चुअली यहाँ पर मार्केट टोटली क्लोज था। फिर जैसे मार्केट में बाहर निकले, हम सोचे थोड़ा सा चेकआउट करते हैं मार्केट में कि रेट और वैरायटी में क्या वेरिएशन है। लेकिन हम मार्केट में जब इधर उधर घूमें तो हमें यहाँ पे पता चला कि एक ही शॉप है जो मोस्टली गुड वर्क करता है, राजू भाई SKD के नाम से है। तो जो भी हिमाचल से कोई भी भाई इधर आएंगे वो स्पेशली राजू भाई से मिलिए, और इनके जो मैकेनिक है दिलशाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्क करते हैं सुपर बोलते हैं। थैंक्स राजू भाई फॉर दिस। थैंक यू। आप बताएं सर कुछ आपके बारे में, क्या बताएं। जितना आपने किया, मतलब पहले तो हमें लगा कि नहीं, कुछ डाउट तो लगे हमें, पर नहीं, जैसे ही काम किया आपने तो एक्सलेंट, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो आपको ऑल अबाउट, जैसे कि थोड़े से आप शाये थे, शर्मा रहे थे, डर सा लग रहा था आपको, जैसे कि मैंने बताया फर्स्टली आते ही। सर ने भी कहा पहले अभी देखेंगे, अभी तो हम आए हैं जस्ट, अभी काम करवाएंगे तब देखेंगे। तो अब का रिजल्ट आपके सामने, जो आपने काम करा एट द एंड, आपको कैसा लगा ये बताइए। बहुत अच्छा। और स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ, राजू भाई बिल्कुल दिल के साफ आदमी हैं, और बिल्कुल जो काम है बिल्कुल ऑनेस्टी से करते हैं, इसमें कोई डराई वाली बात नहीं। जैसे हमने यूट्यूब पे जिनके बारे में सुना है वो एक्चुअली में फैक्ट बिल्कुल राइट निकला है, नहीं तो मैक्सिमम जो फैक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम जो है रॉन्ग निकलते हैं। इसलिए राजू भाई के लिए हम अगेंस्ट फॉर थैंक्स बोलते हैं, और जितने भी हमारे राइडर भाई हैं वो स्पेशल राजू भाई SKD के पास करोल बाग में आएँ और अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराएँ। और इनके पास जितना भी सामान मिलता है वो मैक्सिमम आपको चीप रेट में मिलेगा और बेस्ट मिलेगा, चीप के साथ आपको बेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि चीप ही मिलेगा और बेस्ट नहीं मिलेगा। थैंक्स राजू भाई। चलो थैंक यू सो मच। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो भी हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, राइडर्स आते हैं, तो निराश कोई भी नहीं जाए, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे रेट से रिलेटेड हो, और चाहे हमारा हो मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, किसी भी चीज़ का वर्क हो, किसी भी चीज़ कोई दिक्कत परेशानी हमारी तरफ से नहीं होती है। चाहे हमारा शॉप का एटमॉस्फेयर हो, चाहे कस्टमर का डीलिंग वाला हो, चाहे करने का तरीका हो, सब चीज़ में हम कोशिश करते हैं पूरा अपना 100% देने की। जैसे कि ये दोनों भाई लोगों ने बताया आप सभी को, तो मेरे पास ज़्यादातर आकर लोग अपने दिल की खुद ही बात बताते हैं। मैं ये नहीं कि ज़बरदस्ती बोल बुलवाता हूँ या फिर कोई स्क्रिप्टेड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को जरा से भी डाउट है तो एक बार आकर चेकआउट जरूर कर लें मेरे पास, सिर्फ एक बार शॉप पर विजिट कर लें, ये मेरी गारंटी है। विजिट करने के बाद आप पूरी मार्केट घूम भी लोगे ना तो भी आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ का काम और यहाँ की चीज़, यहाँ का रेट, यहाँ का एटमॉस्फेयर आपके मन के मुताबिक होगा। तो समझ सकते हो आप आना है कहाँ पर है। आपको आना है राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोल बाग नायोलैंड के अंदर। मेरी दो शॉप हैं, एक मिलती है आपको 51 नंबर के कॉर्नर पर, और दूसरी मिलती है आपको बैक चौड़ 36 नंबर के लिए, और फ्रंट पर देखें तो फ्रंट मिलेगा आर्या समाज रोड। और एक चीज़ का जरूर ध्यान दें, मेरी जो शॉप है ना, शॉप पर जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति। एक हनुमान जी की मूर्ति मिलती है आपको मेन रोड झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, जो कि गोल चक्कर पर है, और दूसरी वहाँ से जस्ट अपोजिट जैसे आप मार्केट वाले कट के अंदर लेते हैं, तो वहाँ पर मेरी बोर्ड शॉप का जो बोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी। तो वही मेरी शॉप है, वही मेरी रियल शॉप है, बाकी अदर मेरी कोई शॉप नहीं है। मेरे नाम का थोड़ा सा मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसे जैसा करना करे, मुझे अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, जो कि मैं कर रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहूँगा आप लोगों को साथ लेकर, अकेले मेरे चलने की आदत है नहीं, क्यों सर? बिल्कुल राजू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राजू भाई का मोबाइल नंबर क्या है? राजू भाई स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं। जो भी राइडर भाई आना चाहते हैं पहले राजू भाई को कॉल करिए, और स्पेशल राजू भाई को ढूंढिए, यही राजू भाई है। अगर कोई और राजू भाई मिलेगा फेक राजू भाई मिलेगा। एक कस्टमर का कॉल आया और बस वो कह रहा पहले तो बहुत देर से सामान के लिए पूछ रहा था लड़कों से कभी किससे, फाइनली जब उससे मेरे से बात हुई तो वो कह रहा भैया आप ये बताओ असली वाले राजू भाई बोल रहे हो ना? मैंने कहा हाँ भाई मैं ही असली हूँ। तो डाउट्स क्लियर हो जाता है कि जब आप मेरे से बात करेंगे ना,
तो मेरे बोलने के तरीके से समझ जाते हो कि यार राजू भाई का जो नेचर है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप लोग कह रहे हो रिव्यू में इतना लंबा टाइम लगा दिया है, तो अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।